Good morning, students of class 3. So today we are going to start the 15th chapter of EVS, that is Waking Pots. Let's start. Once there was a sparrow called Phutgudi and a crow called Bhanet. They were fast friends. One day Bhanet said, "Oh Phutgudi, if you lay eggs first, then I will eat them. And if I lay eggs first, then you can eat them." Okay. हमारी चैप्टर की शुरुआत बहुत ही सुंदर स्टोरी के साथ होती है जिसमें एक स्पैरो और क्रो फ्रेंड्स बन गए हैं। स्पैरो जिसका नाम है फुटगुडी और क्रो जिसका नाम है भनेट। एक दिन भनेट ने फुटगुडी से कहा, अगर तुम पहले अंडा देती हो तो मैं उसे खा लूंगा और अगर मैं पहले अंडा देता हूँ तो तुम उसे खा लेना। फुटगुडी एग्रीड। फुटगुडी भी उस चीज को जल्दी से मान गई। अ फ्यू डेज लेटर फुटगुडी लेड एन एग। कुछ दिनों बाद स्पैरो यानी फुटगुडी ने अंडा दिया। भनेट सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट, डू गिव इट, गिव इट, गिव इट। भनेट यानी क्रो ने कहा, चलो चलो, गिव मी योर एग, आई विल ईट देम, डू गिव इट, गिव इट, गिव इट। फुटगुडी वॉज स्केयर्ड, शी सेड, येस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। फुटगुडी बहुत ही डर गई थी लेकिन उसने थोड़ा सा ट्रिक लगाया। उसने कहा, पहले तुम जाओ अपनी चोंच धोकर आओ। भनेट वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर। भनेट ये बात मान गया और वो नदी के पास पहुंच गया। ओके, यस ब्रदर सेड द रिवर। अब नदी के पास जाके भनेट ने कहा, ओ रिवर, भनेट, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, कि ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे अपनी भीख धोनी है और उसके विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक ईटिंग द एग इज व्हाट आई सी, कि मुझे अपनी भीख धोनी है और बाद में अंडा खाने जाना है। द रिवर सेड बट हाउ विल यू फिल वॉटर, गेट अ पॉट। अब रिवर ने कहा, पानी तो मैं तुम्हें दे दूंगी लेकिन तुम पानी भरने के लिए एक पॉट तो लेकर आओ। भनेट वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। भनेट पॉटर के पास गया। पॉटर कौन होते हैं चिल्ड्रन? पॉटर इज अ पर्सन हु मेक्स पॉट्स। पॉटर के पास जाके भनेट ने कहा कि मुझे एक प्यारी सी पॉट दे दीजिए। इन द पॉट आई विल गेट वॉटर फ्रॉम द रिवर विथ कोल्ड वॉटर आई विल वॉश माई बीक ईटिंग द एग इज व्हाट आई सी। द पॉटर सेड बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। पॉटर ने कहा कि पॉट तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन उसके लिए तो मुझे क्ले चाहिए, मुझे पॉट्स को बनाने के लिए क्ले यानी कि मिट्टी चाहिए और ये मिट्टी तुम्हें क्ले पिट से मिलेगी, तो जाओ क्ले पिट से मेरे लिए क्ले लेकर आओ। भनेट वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। फिर भनेट उड़ता उड़ता क्ले पिट के पास गया। क्ले पिट के पास जाकर भनेट ने बोला, ओ क्ले पिट मुझे थोड़ा सा मिट्टी दे दो। ओके, नाउ द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पॉट विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक। पॉटर, ओके, पॉटर मेरे लिए एक पॉट बनाएगा, मैं उसमें पानी भरूंगा, ठंडे पानी से अपनी चोंच धोऊंगा क्योंकि मैं अंडा खाना चाहता हूँ। The clay pit said, but how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith. Bhanet went to the blacksmith and said to him, oh blacksmith. Clay pit ne kaha, mitti to main tumhe de dunga, lekin main mitti ko khodunga kaise? Mere liye ek trowel leke aao. Trowel wo tool hota hai children, jisse hum mitti khodte hain aur ise blacksmith banata hai. ब्लैकस्मिथ वो होते हैं जो लोहे के सामान या टूल्स बनाते हैं। इसलिए क्लेपिट ने कहा, मिट्टी तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन पहले तुम ट्रॉवल लेकर आओ और ट्रॉवल तुम्हें ब्लैकस्मिथ के पास मिलेगा। फिर भनेट ब्लैकस्मिथ के पास गया। द ब्लैकस्मिथ सेड, यस ब्रदर भनेट, व्हाट डू यू वांट। और ओके, ब्लैकस्मिथ के पास गया और फिर बोला, प्लीज मुझे ट्रॉवल दे दो। भनेट सेड, प्लीज गिव मी अ ट्रॉवल, कि मुझे क्या दे दो, ट्रॉवल। The clay pit will dig out clay for me with the trowel. I will get a pot made and get water in it. With cold water, I will wash my beak, eating the egg is what I seek. Trowel से मैं clay pit को खोदूंगा, वहां से मैं मिट्टी निकालूंगा, मिट्टी से potter मेरे लिए एक pot बनाएगा, फिर मैं पानी भरूंगा, उस ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच धोऊंगा, because eating the egg is what I seek. The blacksmith said, sure, you can take the trowel, but do remember to return it. Blacksmith ने कहा, sure, you can take the trowel. लेकिन तुम ध्यान से तुम उसे मुझे लौटा देना। भनेट टुक द ट्रॉवल एंड वेंट टू द क्ले पिट। इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले। द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम। भनेट विल वाटर इन द पॉट एंड वॉश्ड इट्स बीक। ही देन रैन टू ईट फुटगुडीज एग। भनेट ट्रॉवल लेकर क्ले पिट पर चला गया। उसने वहां से मिट्टी खोदी और थोड़ा सा क्ले उठाया। उसके बाद क्ले ले जाकर उसने पॉटर को दिया। पॉटर ने उस मिट्टी से पॉट बनाया
और भनेट को दिया। फिर भनेट ने उस मिट्टी के पॉट में पानी भरा, ठंडे ठंडे पानी से अपनी चोंच को धोया। ही देन रैन टू ईट फुट गुडीज एग। By that time, the sparrow's egg hatched. A little bird came out of it and flew away, far away from Bhanet. लेकिन इतना टाइम हो चला था, उसी बीच स्पैरो यानी फुटगुडी के अंडे से छोटा सा बेबी हैच होकर निकल गया। छोटा सा बेबी स्पैरो अंडे में से निकल कर बाहर आ गया और उड़ के भाग गया। So children, go through this chapter once and thank you children.